आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत म्यांमार पर फेंसिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है बात करेंगे। आपने देखा ही अभी काफी मैंने लेक्चर्स भी कवर किए थे कि काफी म्यांमार के जो आर्मी है वो भारत में आ गई थी, मणिपुर में आ गई थी भाग के। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, म्यांमार डूबने वाला है, मान के चलिए म्यांमार में डेमोक्रेसी आएगी फिर से, या अब जो भी आए डेमोक्रेसी आए पता नहीं, जो भी है, बट एक चीज है कि म्यांमार टूटेगा। अब ऐसा क्या हुआ है? अमित शाह ने बोला है कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्री मूवमेंट हम बंद कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी भी था। मुझे भी ये लग रहा था कि ये जरूरी है, फ्री मूवमेंट बंद करिए क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। मैंने अभी एक पॉडकास्ट लिया था हर्ष के साथ एक पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उसमें बताया था कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जो हमारा ड्रग ट्रेड है, और ये गोल्डन ट्रायंगल में आता है, आपको पता ही है, इधर गोल्डन क्रेसेंट है और ये म्यांमार जो है वो गोल्डन ट्रायंगल में आता है, तो दिक्कत बहुत ज्यादा है ना। यहां से ड्रग्स आते हैं भारत के अंदर अंदर, तो इसलिए भी फेंसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मेन रीजन यही है कि जब भी जो 3 साल पहले तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में ना, आंग सांग सू की जो अभी तक जेल में है, और अभी आउंग हिलियांग जो है वो हटे नहीं अपनी सत्ता से, और अब आर्मी को जो थप्पड़ पड़ रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी, कभी यहां पे कुछ छोटा मोटा बॉम्ब गिर गया, कभी लोग भाग के आ गए यहां पे, तो ये सही नहीं है हमारे लिए, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वैसे आपको खतरा नहीं होगा क्योंकि देखिए हमने जो शानदार कोर्स निकाला है, आज हमने सेल चलाई है सिर्फ आज के लिए पॉर्न एडिक्शन पे, इसको खत्म करेंगे। डे 38 चल रहा है इस समय, आज डे 39 की क्लास होगी, तो लाइव क्लासेस चल रही, रिकॉर्डेड तो आपको अवेलेबल है ही है, 350 रुपए का कोर्स है, फटाक से अवेल करें। तो अमित शाह का यह डिसीजन आया है कि सरकार ने यह बोला है कि भाई इम्पेनिट्रेबल, यानी कि जब घुस ही नहीं सकते, देखो भी तो है गलिया चिर के निकल जाए ऐसा, और यह है कि भाई एक पूरा फेंस बना दो, लगभग 1683 किलोमीटर का लंबा इंडो म्यांमार बॉर्डर पे एक पूरी फेंसिंग कर दो। थोड़ा बाहर यार पार्टी चल रही है, पता नहीं यार ऑफिस के बाहर लोग पार्टी करते रहते हैं, तो यहां बेटर सर्विलेंस हो, पेट्रोल ट्रैक हो, और जो बॉर्डर है उसको भी पेव करो। अब टोटल बॉर्डर लेंथ 10 किलोमीटर जो है वो मोरे मणिपुर, और यही मोरे में ही हमने देखा, यहां ये मोरे जो टाउन है ना मणिपुर में, ये एक ड्रग सेंटर है, यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट एक तो बहुत ज्यादा है और ड्रग ट्रेड बहुत होता है यहां पे, और कहां से होता है, क्योंकि यही जो है वो शेयर करता है बॉर्डर म्यांमार से, और म्यांमार एंट्री पॉइंट बन जाता है, तो इसलिए भी इसकी फेंसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इसको ऑलरेडी अभी तक फेंस किया जा चुका है। फर्दर मोर टू पायलट प्रोजेक्ट ऑफ फेंसिंग, ये भी हाइब्रिड सर्विलेंस मॉडल HSS के थ्रू चलाए जा रहे हैं, अब ये भी फेंस हो जाएंगे, और 1 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी फेंसिंग हो जाएगी। तो एक तरीके से लगभग 20 किलोमीटर मणिपुर का एरिया जो है उसको हमने अप्रूव कर दिया है फेंसिंग के लिए, और काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। तो ये आपके सामने म्यांमार है, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो ये मणिपुर का सबसे लंबा बॉर्डर है, ठीक है ना, फिर मिजोरम यहां पर आ जाता है, और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे म्यांमार से, जो ये 1683 किलोमीटर का बॉर्डर है और इसे शेयर करता है। अब यहां पे सब कुछ ठीक थी, म्यांमार से भारत के कल्चरल रिश्ते भी रहे हैं, भाई ब्रिटिश था तब भी, भाई एंग्लो बर्मीज वॉर और काफी ज्यादा दिक्कतें रही हैं, ठीक है, ब्रिटिश के ही कंट्रोल में था पूरा बर्मा भी, और उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई जब म्यांमार ब्रिटिश कंट्रोल से गया। अब वहां पे फिर भैया आंग सान सू की के पिताजी आ गए, उन्होंने डेमोक्रेसी चलाई, आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया, जुंटा बना दिया, उसके बाद फिर आंग सान सू की जान बचा के भागी, भारत में आई, भारत में पड़ी, भारत की बेटी है वो, फिर वापस गई। तो 8888 अपराइजिंग जो है वो हमको देखने को मिलती है। 8 सितंबर 1988 को लोग सड़कों पे आ गए, भैया डेमोक्रेसी लेके आओ, जुंटा पुंटा हटाओ, ऐसी की तैसी, तुम आर्मी वाले हमको मारोगे ऐसा नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी आएगी। फिर आर्मी ने वो मारा है सबको, धर पकड़ दिया और आंग सान सू की को कर दिया नजरबंद। अब उसके बाद 20 सालों तक आंग सान सू की अपने घर में नजरबंद रही। 2010 में जो है आंग सान सू की बाहर आई, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था, इलेक्शन हुए, आंग सान सू की NLD जीती, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। अब अगले 11 सालों तक आंग सान सू की का राज चलता है म्यांमार पे, लेकिन आर्मी वहां पे ऐतिहासिक तौर पे काफी समय से तैनात है और उन्हीं का ही कंट्रोल है। तो आंग सान सू की को बोला, बहुत हुआ सम्मान, इधर आओ बेटा, बेटी तुम निकलो, और तुमने मुर्गियां चुराई हैं, तुमने घपलेबाजी की है, लिटरली आरोप लगाए थे, चलो जेल के अंदर, जेल में बंद कर दिया। अभी आंग सान सू की जेल में बंद है, उनके जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं सब अंदर, कोई भाग गया है, कोई दिख नहीं रहा है, कोई साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन यहां पे कुछ हुआ,
आंग हिलियांग ने अपनी आर्मी को खुला छोड़ दिया कि जो भी मिले मार दो, उड़ा दो सबको, जो भी मिले मार दो, जो भी हमारे खिलाफ मिले उसको छोड़ना नहीं, गांव के गांव तबाह कर दिए दोस्तों, मास रेप्स हुए हैं यहां पे, बहुत ही ज्यादा भयानक अत्याचार, चाइना का सपोर्ट था। दिमाग खराब हो गया यहां पे म्यांमार के जो ग्रुप्स हैं, म्यांमार के जो लोग हैं, ठीक है, और जो अराकान आर्मी और भी बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, उन्होंने एक पूरी आर्मी बना ली, समझ रहे हो, और ये आर्मी थी रिबल्स की आर्मी, और अब वो सीधा भिड़ गए हैं किसके साथ, म्यांमार की आर्मी के साथ। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जहां म्यांमार को लगा कि हमारी आर्मी सबको खत्म कर देगी, रिबेल्स जो हैं वो भगा भगा के आर्मी को मार रहे हैं, और इतना मार रहे हैं, अभी 400 म्यांमार के आर्मी के भाग के मणिपुर में आए थे कि भैया इतना मारा है हमको, और अब उल्टा हो रहा है, चीजें एकदम बदल रही हैं। यहां रिबेल्स जो हैं उनके पास सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है, वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो एक तरीके से धर्म की जीत म्यांमार में हो रही है, लेकिन म्यांमार टूटेगा यह आप मान के चलिए, इतने सालों से जो अत्याचार किया है उसका जो फल है वो अभी हमको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली क्यों भारत स्मार्ट बॉर्डर जो है वो बना रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स मणिपुर में हुए, एक तो 2023 में जहां पे 100 लोगों से ज्यादा की जान गई, हजारों लोग जो है डिस्प्लेस हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो कहीं ना कहीं इसमें म्यांमार से लोग थे वहां पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है ना तो लोग आ जाते हैं और आसानी से आ जाते हैं। तो वो जो फ्री मूवमेंट रजीम है FMR अलोंग विद इंडो म्यांमार बॉर्डर, अब बोला कि भाई बहुत हो गया, अगर हमने मणिपुर के वॉयलेंस को और ज्यादा बल मिल सकता है म्यांमार की वजह से, तो बेस्ट यही है कि यहां पे फेंसिंग करना शुरू कर दो। और एक ड्रग प्रॉब्लम मणिपुर में, जो हिंसा हुई ना उसमें एक ड्रग प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी, ये मैंने आपको बताया था ना कि मेन तो ठीक है चलो वो रिजर्वेशन का इशू है, लेकिन यहां मेन प्रॉब्लम जो है ना वो ड्रग्स की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसलिए और ज्यादा दिक्कतें पैदा हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया था, ऑलरेडी 10 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो बना दिया था मोरे में, है ना, और उसके बाद फिर फर्दर जो है वो अभी 10 किलोमीटर और जो है वो अप्रूव हो गया है। अब यहां एडिशनल 80 किलोमीटर बॉर्डर को, मतलब टोटल लेंथ अगर बात करते हैं जो बॉर्डर फेंसिंग है, अभी तो 20 किलोमीटर को फेंस किया जाएगा, बट आने वाले समय में मुझे लगता है कि नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा 390 किलोमीटर की पूरी फेंसिंग लगा दी जाएगी, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। एंट्री पॉइंट्स ये होते हैं ना। तो फ्री मूवमेंट रजीम क्या था भैया, भाई देखो ये दो देश है, फ्री मूवमेंट मतलब कोई रोका टाकी नहीं है, म्यांमार से आसानी से आप भारत में आ सकते हो, भारत से आसानी से आप म्यांमार में जा सकते हो, समझ रहे हो, कोई भी आपसे कुछ नहीं पूछेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे आसानी से। तो दो देश जो है वो म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हाँ भाई होगा, और आपको बता दूं कि 16 किलोमीटर तक आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट वीजा, आमतौर पर आपको वीजा की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बट विदाउट वीजा आप आसानी से 16 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं, 16 किलोमीटर भी बहुत हो गया यार, जिसको काम करना वहीं से ही कर देगा। 2018 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, उस समय आंग सान सूकी की सरकार थी, लेकिन इस समय सरकार किसकी है, किसी की नहीं, मिलिट्री की सरकार, मिलिट्री को चाइना की बैकिंग, और चाइना हमेशा चाहेगा कि नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबिलिटी जो है वो फैली रहे। वो अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है, वहां पे अपना विलेज विलेज उधर साइड गांव में डेवलप, पूरा गांव डेवलप किया हुआ है, सारी सेना वहां पे लगा रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये काम हमने शुरू किया था, बट दिक्कत ये है कि हमने ये काम एनएलडी के समय शुरू किया था, अब एनएलडी रही ही नहीं, तो अब इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि भाई हम ये नहीं अलाउ करेंगे ना कि वहां की अनस्टेबिलिटी, वहां का आतंकवाद, वहां की प्रॉब्लम्स हम अपने यहां लेके आए, ये दिक्कतें हैं। उसके बाद पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के लिए हुआ था, फ्री मूवमेंट रजीम जो है FMR पीसफुल देशों के साथ होती है, जो देश बढ़िया रहते हैं, बांग्लादेश के साथ अब है वहां पे मैत्री एक्सप्रेस चलती है, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं है, बट एरिया हैज अ क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स फैसिलिटेटिंग बॉर्डर हार्ट्स होती है, कस्टम्स, ये बढ़िया रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में दिक्कतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब जैसा अभी 191 म्यांमार, ये मिजोरम में गए थे, 191 म्यांमार के सोल्जर भाग के आ गए थे मिजोरम। अब आप ये बताइए कि कल को जैसे जो रिबेल्स हैं, ठीक है, जो अराकान आर्मी और बाकी सब जो मिलकर काम कर रहे हैं म्यांमार आर्मी के खिलाफ, कल को ये भारत में आ जाए, भाई मान लो कि 1000 के करीब सैनिक भारत में आ गए म्यांमार के, और उसके बाद यही रिबेल्स यहां पे, तो यहां पे जंग शुरू हो जाएगी, मिजोरम और मणिपुर में लड़ने लगेंगे ये लोग, जिसका हमको बड़ा इफेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 500 कम से कम 500 जो है वो भाग के भारत आए हैं। अब ये जो चिन रिफ्यूजीज है, 45,000 चिन रिफ्यूजीज, ये भी मिजोरम में शेल्टर लिए हुए हैं, ठीक है, 2021 को। अब देखिए रिफ्यूजीज, इसमें आप कर नहीं सकते, भारत ने हमेशा हाथ बढ़ाया है, ये बेचारे रिफ्यूजीज, इनको कोई वहां पे पीड़ित हैं ये लोग, कोई भी आके मार के घंटा घंटे की तरह बजा के इनको चला जाता है, तो इसीलिए बोल रहे कि भैया निकलो और कहीं ऐसी जगह चला लो जहां कम से कम सेफ तो रहे। तो मिजोरम में ये लोग रह रहे हैं और बहुत गरीब है ये लोग,
क्या कर सकते हो, बट फिर भी दोस्तों प्रेशर तो हमारे ऊपर बढ़ रहा है ना। और एनएलडी जो है उसका भी कोई नामो निशान नहीं है, बट मुझे लगता है कि चीजें अब बदलने वाली है। भारत के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ना, कलादान प्रोजेक्ट हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, ऑलमोस्ट डेड। जो कलादान हमने कलादान नदी पे, फिर जो सितवे नदी पे हमने बनाया था, वो सब खत्म हो गया है, ठीक है ना। और वो अराकान आर्मी के पास चला गया, यानी कि अब कुछ भी नहीं बचा। अराकान आर्मी से थोड़ी ना आप बात करोगे, वो सरकारी नहीं है म्यांमार की। अराकान तो जब आज तख्तापलट हो जाएगा या जब कुछ हो जाएगा तब अलग बात है। अब आप ऐसे ही समझ सकते, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, तालिबान को रिकॉग्नाइज थोड़ी ना है, वैसे अराकान आर्मी कहां। तो एवरीथिंग इज डेड नाउ, कुछ भी नहीं बचा है एक तरीके से। प्रॉब्लम इलीगल इमिग्रेशन, जैसा कि हमने बताया कि जबरदस्त पैसेज, कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स भी अपने साथ लेके आता है। वो अपने साथ अकेले नहीं आ रहा, ढेरों प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, ठीक है। तो 22,000 रिफ्यूजीज जो हैं फरवरी 2021 के बाद से, ये तो रिपोर्टेड आंकड़ा है, अनरिपोर्टेड तो पता नहीं कितने हैं, ये भारत में आए हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा बॉर्डर है ना, और ये चेन स्टेट है यहां पे ही, ठीक है। तो अब ये जितने जो पास में एरिया है ना, शायन स्टेट, चेन स्टेट, खंपात, ये सब जगह के फटाक से भारत में फांद के आ जाते हैं। ड्रग अब्यूज, ये गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, हम सबको पता है, ठीक है, म्यांमार, कंबोडिया और म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। तो बेसिकली ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूशन है, कचिन स्टेट में भर भर के ओपीएम प्रोड्यूस की जाती है। उधर पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से ओपीएम भारत में आता है, गोल्डन क्रेसेंट, हम सैंडविच्ड हैं। और इसीलिए हमारे ड्रग प्रॉब्लम ज्यादा देखने को इस समय, कश्मीर बहुत बड़ी एक ड्रग सेंटर के रूप में बढ़ रहा है, जिस भारत सरकार उस पर ध्यान देना पड़ेगा। पंजाब तो आपकी हालत आप देख ही रहे, पंजाब की हालत क्या है। तो एक तरीके से म्यांमार सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो भारत में भी देखने को मिल रही है। और इसमें FMR एक बहुत बड़ा रीजन है। मोरे टाउन जो है ना मणिपुर में, वो एक बहुत बड़ा, मतलब यहाँ पे काफी लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो समझिए इस बात को कि इट इज क्वाइट डेंजरस। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये तो गोल्डन क्रेसेंट है, ठीक है, और ये गोल्डन ट्रायंगल है। यहां से ही जो है म्यांमार होते हुए ये पूरा चीजें जाता है। फिर उसके बाद ड्रग ट्रैफिकर्स और इंसर्जेंट ग्रुप, भाई देखो ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है, इनके पास पैसा कहां से आएगा? ये ड्रग ट्रैफिकिंग से। जितना ज्यादा ड्रग्स बिकेंगे, इतने ही ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो पैसा कमाएंगे। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। ये चाहेंगे कि खूब ज्यादा ड्रग्स बिके। तो मणिपुर चीफ मिनिस्टर ऑफिस बताता है कि 500 केसेस रजिस्टर किए गए, 625 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया NDPS एक्ट के तहत। इसीलिए बोला गया है कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। उस समय चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने भी बोला कि आप कुकी और माइती तो ठीक है, बट यहां पे कुछ भी करके आप पहले बॉर्डर पे फेंसिंग लगाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स एंड इलीगल आर्म्स, ये भी हमको देखने को मिला। आप जो मणिपुर को देख सकते हैं कि अगर मणिपुर में भी जो कुछ ऐसे तत्व, शरारती तत्व है, उनको हथियार की जरूरत पड़ती है, तो यहां पे रिबेल से वो मांग लेते हैं और सप्लाई हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो सरकार ने बोला है कि जो लोकल ग्रुप्स है, दे एग्री दैट द फैसिलिटी हैज बीन मिसयूज्ड। इस फैसिलिटी को मिसयूज किया गया है ताकि आर्म्ड ग्रुप भी यहां पे आ सके। वो भड़काते हैं कि अरे कोई बात नहीं, लड़ो। वो भाई म्यांमार में तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं। देखिए आर्मी तो प्रॉब्लम में है ही है, बट रिबेल्स भी किसी के सगे थोड़ी ना है, समझ रहे हो। तो दोनों शैतानों में से आपको एक शैतान को चुनना है। अब कौन थोड़ा अच्छा शैतान होगा वो आपको देखना है। तो वेपन्स की बात करें, नार्कोटिक्स की बात करें, ये हमको देखने को मिलता है। इसीलिए भारत और म्यांमार के बीच में दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये फैसला जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहा। रखाइन मिलिटेंट्स की बात करें, जो रखाइन जहां रखे रोहिंग्याज को मार मार के भगाया जा रहा है, और अगेन उनकी भी हालत बहुत खराब है। म्यांमार पूरा अनस्टेबल होता जा रहा है। ट्रेनिंग कैंप्स हमको देखने को मिल रहे हैं सगाइंग प्रोविंस में, जो कि मेन बायस है वहां पे इलीगल आर्म्स। तो इट इज डेंजरस, इट इज गेटिंग डेंजरस डे बाय डे। फिर उसके बाद अब अमित शाह ने जो ये बोला है, तो मुझे लगता है कि शायद FMR खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये बचेगा नहीं और बचना भी नहीं चाहिए। अगर कोई डेमोक्रेसी आती है वहां पे, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, तो अब अलग बात है। हालांकि ऑपोजिशन हुआ ऐसा नहीं है, मतलब इसका अपोज हुआ है डिफरेंट स्टेट की, भाई ये तो हमारी कम्युनिटीज के बीच में बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे। आप समझिए आप क्या कर रहे हो, आप ब्रिटिश के समय से ये चीजें चल रही हैं, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहां पे मुझे नहीं लगता, मानने, देखिए इसके ड्रॉबैक्स भी हैं और ठीक भी है, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स यही है कि भाई आपको म्यांमार आपका बॉर्डर स्टेट, आप पड़ोसियों से रिश्ते खराब नहीं कर सकते, और अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो आई नहीं है। और कई बार जैसे आपको अगर खत्म करना होता है, जैसे हमने ये तो मैंने आपको अभी ड्रॉबैक्स बताया था ना, कि मतलब वो बताया था कि चीजें कैसे बेटर होंगी, ये जरूरी है। बट ये भी देखो ना, जैसे हमको सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी तो हमने म्यांमार के घुस के की,
वहां पे सेना के साथ हमने मिलके, जो फोर्सेस के साथ मिलके हमने मारा वहां पे। और बॉर्डर ऐसा जरूरी नहीं कि फेंसिंग से ही सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी अभी जरूरत जो है वो ये है। चैलेंजेस फेंस एक अलग ही प्रपोजिशन है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है और इतना आसान भी नहीं है। और फेंसिंग कोई बहुत कंस्ट्रक्टिवली नहीं लिया जाएगा। देखिए म्यांमार की तरफ से तो इसको बहुत अच्छे से नहीं लेंगे, क्योंकि उनके लिए यहां पर रोजी रोटी यही है, आप समझ रहे हो। कई लोग जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, और हो सकता है ये कुछ जो भारत के कुछ लोग हैं, ठीक है, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो इस सिंडिकेट में इन्वॉल्व है वो भी इसको बहुत कंस्ट्रक्टिवली नहीं लेंगे। तो हो सकता है इसको खराब करने की कोशिश की जाए, यहां पे हमला हो, प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़े, अनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़े, तो चैलेंज है। और दूसरी चीज, पूरा पहाड़ी एरिया भाई, ये पूरा पहाड़ी एरिया है ना, ये पूरा पहाड़ से, जंगलों से, नदियों से घिरा हुआ एरिया है। तो यहां पे टेरेन, इतनी टेरेन, डिफिकल्ट टेरेन में फेंसिंग लगाना इतना आसान नहीं होगा। साथ ही साथ वही लोकल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, देखिए बहुत पुराने रिलेशंस हैं, ऐसा नहीं कि सभी खराब है, मैक्सिमम अच्छे हैं और बहुत अच्छे रिलेशन है म्यांमार और मणिपुर, मिजोरम, सबके बढ़िया है। तो आप इसको हटा के आप ये काम कर रहे हो, मुझे लगता है यहां पे अमित शाह को लोकल से एक बार डिस्कस करना चाहिए था। मैं हमेशा बोलता हूं जिसका काम उसी को साजे, जो जहां पे रह रहा है वही आपको बता सकता है कि हाँ यहां कंडीशन कैसी है। चाइना जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है सदर्न बॉर्डर पे, हम सबको पता है। अब ये तो चाहता ही है, जुंटा और शैन ग्रुप के बीच में जो है ये ट्रूस करवाने जा रहा है। ये हो सकता है कि अभी आने वाले समय में मध्यस्थता हो जाए, एक कम से कम एक स्टेट और जुंटा के बीच में। अगर ऐसा हुआ तो चीन विक्टर, चाइना अगर जीता तो ये हमारे लिए दिक्कत है। अब हम फंसे हुए हैं क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हमारे हाथ से जाते जा रहे हैं और चाइना जो है वो उन पे कंट्रोल करता जा रहा है। तो ये मूव कितना सही होगा, कहीं ऐसा ना हो कि लोग और ज्यादा प्रो चाइना हो जाए, म्यांमार और ज्यादा प्रो चाइना हो जाए, ये भी एक दिक्कत है। फिर मिलिट्री रिजीम नाइन रिबल्स जो है ये बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं, क्योंकि चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टमेंट खूब किया जाए, ठीक है, आप समझ रहे हो। मिनरल जो है, गैस, ऑयल, ये सब आपको म्यांमार में मिलेगा, टेरेन ऐसी है, आपको नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज्यादा मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी अगर पूरा आप समझिए कि एक्सकेवेट करना हमने शुरू कर दिया तो इतने खनिज मिलेंगे ना, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, इकोलॉजी खत्म हो जाएगी, हिमालयन रीजन है भाई ये। तो यहां पे म्यांमार में भी अगर बात करें तो ये भी रिसोर्स रिच एरिया है। भारत का इंटरेस्ट की बात करें भाई, देखो भारत का एक तो बॉर्डर एरिया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे मेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री वॉज इज म्यांमार। तो ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत के म्यांमार से बहुत ज्यादा है। आपने रोड बना दी, सितवे प्रोजेक्ट कलादन बहुत बढ़िया था, सीधा आपने कनेक्टिविटी बढ़ाई, पैसे के लिए सब इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, ट्रेड हो गया आसानी से, आप कहीं पे भी जा सकते हो, साउथ ईस्ट एशियन देशों में आप जा सकते हो आसानी से। तो भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। रखाइन स्टेट में जितने भी भारतीय हैं सबको बोल दिया कि भाई मूवमेंट मत करना, ठीक है, अराकान आर्मी बुरी, मतलब वहां पे कंट्रोल जो अराकान आर्मी का हो रहा है और काफी ज्यादा अनसेफ है ये। अभी भारत ने एडवाइजरी जो है वो मतलब जारी की थी अपने लोगों को, ठीक है ना, तो ये चीज है। लेकिन फिर भी दोस्तों ग्राउंड कंडीशन को उनको देखना पड़ेगा। जो रिबेल आर्म ग्रुप्स हैं जो लगातार म्यांमार में 70 साल से लड़ रहे हैं, अब ये शायद यहां पे नहीं जा पाएंगे म्यांमार की कैपिटल नेपिदाओ में। लेकिन फिर भी दोस्तों इतना आसान नहीं है। देखिए म्यांमार की आर्मी नो डाउट पावरफुल है और 110% वो रिबेल से ज्यादा पावरफुल रहेगी क्योंकि एक कंट्रोल्ड आर्मी है वो और उसको चाइना से सपोर्ट भी है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो रिबेल्स हैं इन्होंने कुछ जगहों पे जैसे शायन स्टेट, चिन स्टेट, यहां पे कंट्रोल इनका हो गया, रखाइन स्टेट पे भी कंट्रोल हो गया। तो ये एक बंटवारे जैसी सिचुएशन आ गई है। आपको पता है म्यांमार टूट, हो सकता है टूटे ना, बट एक मध्यस्थता हो जाए कि इस एरिया पे आप कंट्रोल करोगे, यहां पे हम कंट्रोल करेंगे, तो ये दिक्कत है, ठीक है ना। तो भारत और म्यांमार के रिलेशंस आप देख ही सकते हो कि ब्रिटिश ने ये पूरा का पूरा, उस समय म्यांमार को बर्मा बोला जाता था, वो अपने तरफ रखा, भाई प्रोविंस था ना, तो अखंड भारत में ये भी आ गया। खैर छोड़िए, 1937 तक इनका ये प्रोविंस था ये, और इंडिया और बर्मा ने 1951 में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए, 1962 में 1962 में मिलिट्री का टेक ओवर होता है, 2015 में आंग सान सू की एनएलडी जीतती है, और फिर उसके बाद अब अजीब बात है कि फरवरी 2021 में एनएलडी जीती और म्यांमार में इसने जो आर्मी है ईगो पे ले लिया कि कैसे जीत ली, और उसके बाद तख्ता पलट कर दिया। यानी कि म्यांमार की आर्मी ने लोगों के खिलाफ जाकर तख्ता पलट किया है, और अगर आप लोगों के सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाते हैं तो वो बहुत दिनों तक नहीं टिकती है, वो चीज का फॉल होना ही होना है, तो म्यांमार की आर्मी डेफिनेटली गिरेगी। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।